हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 19 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट हिंदी है, डेट है इसकी बेटा 1 दिसंबर। आज की हमारी एक कविता है, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है, भाग एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 7 है। यह पाठ एक गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। बेटा ये जो गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, ये एक बहुत पुरानी मूवी में भी है, ठीक है। अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपको, आप गाने के बोल बताइएगा, साथी हाथ बढ़ाना, तो इस तरीके से साथी हाथ बढ़ाना कुछ इस तरीके से है ये गीत। आपके मम्मी पापा आपको ईजिली बता देंगे कौन सा गाना है, ठीक है। तो जो इसके गीतकार है वो है साहिर लुधियानवी जी, और उन्होंने इस गाने के ज़रिए मिलकर, मतलब यूनिटी से काम करने के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। मतलब अगर हम मिलकर काम करें तो काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे क्या क्या और इस गीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना मतलब यहाँ पर जैसे कहा गया है कि अगर एक जना थक भी जाता है तो हम सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो देखिए, ये औरत मिट्टी खोद रही है, ये मिट्टी भर रहा है, ये उधर पास कर रहा है, ये औरत आगे पास कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे को ये पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा काम, ये काम जो है सारा का सारा आसान हो रहा है, क्योंकि ये इसको पास कर रही है, ये इसको पास और ये आगे पास, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक जना थक भी जाता है, मतलब ये कहने का है कि हम सब मिलकर काम करें, ठीक है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। मतलब कि हम मेहनत वालों ने, मतलब जो इसको करना है काम, जो मेहनत से काम करता है वो आगे बढ़ता जाता है। वो ये नहीं देखता कि रास्ते में सागर आ गया, मतलब कि कोई भी चैलेंज आ जाए उसकी लाइफ में, कोई भी मुश्किल आ जाए, वो ये नहीं कि भाई अब छोड़ दो, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ सागर ने रास्ता छोड़ा मतलब ये देख के नहीं कि बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, नहीं हम अब नहीं कर सकते। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत कितना बड़ा होता है, पहाड़ कितना बड़ा होता है, मतलब वो भी आगे झुक जाता है। का मतलब ये है कि जितनी बड़ी से बड़ी कठिन समस्या हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, वो भी ख़त्म हो जाती हैं आगे बढ़ते जाते हुए, मतलब मिलकर काम करने से। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना मतलब हम में इतना दम है, हम झुकने वाले नहीं हैं, मतलब हम मेहनत करने वाले हैं, हम में बल है, हम में ताकत है, मतलब हम झुकेंगे नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, सारे जने मिलकर हम अपना हिम्मत से काम करेंगे। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो बेटा जैसे एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, मतलब अगर सारे जने मिलकर काम करें तो काम आसान हो जाता है ना। अब अगर जैसे अगर आप घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो, जैसे आपकी मम्मी हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, अगर मम्मी की थोड़ी सी भी हेल्प करा दोगे तो कितनी हेल्प हो जाएगी मम्मी की। जैसे मम्मी खाना बना रही है तो आप खाना पकड़ा सकते हो दूसरे जनों को, ठीक है। थोड़ा कभी डस्टिंग कर दी मम्मी के साथ, और मम्मी के कभी चद्दर वद्दर कर दिया, बाजार से कुछ सामान ला दिया, तो इससे कितनी हेल्प हो जाती है, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है, मम्मी का काम बच जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे यहाँ बेटा। अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर, ये बटाकर आएगा बेटा, बताकर नहीं, बटाकर, ठीक है, बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बेटा, गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम बलवान व ताकतवर हैं। मतलब हम अपनी बाजुओं में क्या कहते हैं, ताकत रखते हैं, अपार शक्ति रखते हैं, हमारे इरादे, सबसे बड़ी बात जो है ना, इसका जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमें ये काम करना है तो मतलब करना ही है, ठीक है, तो वो चीज़ है।
अगला प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्द प्रयोग हुए, इन शब्दों के प्रचलित प्रयोग क्या है। अब देखिए बेटा, पहला शब्द है पर्वत, हम पर्वत नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं या पहाड़ बोलते हैं। इसी तरीके से शीश, शीश का मतलब होता है सिर, ठीक है। रास्ता, रास्ता को क्या कहते हैं, ये रास्ता लिखा हुआ, देखो बेटा रास्ता, रास्ता नहीं कहते हम, क्या कहते हैं, रास्ता, ठीक है ना, रास्ता या मार्ग। तो इसका हमने लिख दिया है पर्वत का पहाड़ या पर्वत, शीश का सिर या माथा, रास्ता का रास्ता या मार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए ऐसा क्यों कहा है गीतकार ने। तो इसका उत्तर देख लेते हैं बेटा, साहिर जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब हम कोई काम मिलकर काम करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई काम मिलकर करते हैं तो बड़ी से बड़ी बाधा को भी सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है, जिसके बल पर पर्वत और सागर को भी पार किया जा सकता है। मतलब एकता में तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है कि वो किसी भी सागर को, अब अगर आप देखो हनुमान जी ने उस पर सेतु बना दिया था, ठीक है ना, तो ये जो है सागर में सेतु बना दिया था, तो ये इसी तरीके से मिलकर ही काम किया है, ठीक है। तो जो मिलजुल कर काम किया जाता है, या कह सकते हैं कि एकता में बहुत ताकत होती है, तो कुछ भी, कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा है उसे भी हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उसे ठीक कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं हम घर में, जैसे हम घर का सामान लाने में मदद करते हैं, हम मम्मी का खाना बनाने में मदद कर सकते हैं, और मैंने आपको जैसे बताया है घर की साफ़ सफाई में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई काम हैं जिसमें आप अपनी मम्मी की या अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारी वर्कशीट कम्प्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोज़। टिल देन बाय।